प्यार साथी होते हैं सवाल उस प्रकार से हमारे सामने, ये हमसे कह रहा है कि a अपॉन b की पावर x माइनस वन में दी हुई है और इक्वल टू में दिया हुआ है 1 अपॉन b अपॉन a इस तरीके से, ठीक है, हमें a अपॉन b इधर है तो a अपॉन b बनाओ या फिर b अपॉन a इधर है तो इधर b अपॉन a बना लो, बाकी हमारा काम हो जाएगा। इसको मैं लिखता हूँ a अपॉन b रहने देता हूँ, a अपॉन b की पावर आपका x माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ b अपॉन, इसको भी मैं a अपॉन b कर देता हूँ, a अपॉन b अगर ये हो जाएगा उल्टा हो जाएगा तो पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि माइनस का एक्स हो जाएगा और प्लस का थ्री हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पर a अपॉन b अपॉन b हो चुका है, बेस इक्वल हो गया तो ये पावर बराबर कर दो, यहाँ से हो जाएगा x माइनस वन इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस में थ्री, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा x प्लस एक्स और माइनस हम बोलने के हिसाब से तो प्लस फोर के चार हो जाएगा, तो यहाँ से टू एक्स इक्वल टू आ गया भैया फोर, और टू से फोर कट जाएगा टू टाइम्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी टू आ जाएगी हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको यहाँ पर ऑप्शन क्या करना है कि क्या जरूरत है, हमारा काम आसानी से हो जाएगा, सिंपल कर लेते हैं, सिंपल, ठीक है। बाकी आपके लिए होमवर्क का ऑप्शन रेस्ट कराइए, सर करके सही कर देंगे, दोनों साइड की वैल्यू इक्वल आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को चैनल लाइक जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, मिलते हैं आपसे।